करनाल के तरावड़ी में दर्दनाक हादसा हो गया। हादसे में ट्रक ने आईटीआई की दो छात्राओं को कुचल दिया। इस दर्दनाक हादसे में एक छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरी गंभीर रूप से घायल है। मृतक छात्रा की पहचान कुरुक्षेत्र निवासी ज्योति से हुई है और घायल छात्रा निवासी दिनदहाड़ी गाँव की निवासी है। रोजाना की तरह आईटीआई संस्थान से छुट्टी होने के बाद दोनों छात्रा बस स्टैंड पर जा रही थी, जहाँ ट्रक ने दोनों छात्रों को कुचलकर भागने में फरार हो गया। हादसे के दौरान दूसरे छात्र ने ट्रक का नंबर नोट कर इसकी सूचना पुलिस को दी। मैंने तुम्हें कोशिश की और काफी तेज तरी पीछे से आया, लड़की को ऑन द स्पॉट देखो जी। मैंने चलते ट्रक में चढ़ के रोकने की कोशिश करी थी, मैंने की उसके शीशे में हाथ मारे जी, मेरा लग गया जी। नंबर नोट किया जी उसका। पुलिस अभी आई थी जो मौके पर पुलिस भी नहीं, हमने पीछा नहीं किया। आईटीआई से छुट्टी होने के बाद जी रोड अड्डे पर जा रहे थे तो यहाँ तरावड़ी में हुआ। हाँ जी, तरावड़ी में पकड़ने का प्रयास किया जी। वो फिर मैं उसकी गाड़ी में भी चढ़ा जी, मैंने उसका जो साइड वाला शीश होता है जी वो भी तोड़ा जी, उसने मेरे को धक्का दे दिया, मैं नीचे आ गया जी। ट्रक एकदम से काफी तेज ले गया जी। एक छात्रा की डेथ है, एक छात्र की डेथ है जी और एक को काफी ज्यादा चोट लगी है। ये छात्रा है लड़की है, लड़की है, लड़की छात्रा। ज्योति नाम है, ज्योति कश्यप, कुरुक्षेत्र दुराला से है जी। दुराला जी, आपका क्या नाम है? गोविंद माजरा से जी। मेरा नाम रोहित है जी। रोहित, आप भी साथ चल रहे थे? मैं थोड़ा आगे था जी। हाँ जी, गोविंद माजरा दुराला कुरुक्षेत्र से जी। और दूसरी लड़की जंजाड़ी से है जी, ये उचाणी के पास में है जी। तो वो भाग गया ट्रक वाला, ट्रक वाला उसको रोकने की कोशिश करी जी, वो भाग गया जी। तो उस लड़की को अस्पताल ले गए उसको? हाँ जी, अस्पताल लेके गए जी उसको। तो कितनी दूर पड़ता है यहाँ से आईटीआई? आईटीआई यहाँ से सर एक किलोमीटर होगा जी। पैदल ही जाते हैं? पैदल ही आते जाते हैं जी। इसके लिए जी दो तीन बार एप्लीकेशन भी लिख के दे दीजिए थाने में, फिर भी नहीं मानते जी। यहाँ एप्लीकेशन लिख के दीजिए जी, यहाँ पे ट्रक खड़े होते हैं जी, यहाँ पे बच्चों को आने जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है जी, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई जी हमारी भी। दो तीन बार गए जी इसमें तरावड़ी पुलिस स्टेशन में जी, फिर भी यहाँ पे पता नहीं जी ये पुलिस स्टेशन से कोई आया था या नहीं आया था जी इनको बोलने के लिए, लेकिन फिर भी काफी ज्यादा भीड़ रहती है जी यहाँ पे ट्रकों की। एक ट्रक है जो है हिमाचल नंबर का HP 12 11, जिसने लड़की का एक्सीडेंट कर दिया, जो ज्योति नाम की लड़की मौके पे एक्सपायर हो गई, शिवानी इंजर्ड है, जो हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा है। ट्रक के बारे में ट्वीटी कर दी गई, जल्दी गिरफ्तार की। आईटीआई की छात्रा पर इतरा उड़ी। जो दूसरी लड़की है वो का किया? वो जंजाड़ी गांव की रहने वाली है, उसका नाम शिवानी है। शिवानी घायल है। सर, तमाम छात्रों की तरफ से कहा जा रहा है कि कई बार पुलिस को कहा कि ट्रक खड़े रहते हैं, हटाए जाएं, लेकिन कोई हटाए नहीं। ऐसे हमारे पास कोई नहीं। ट्रक तो वैसे भी रास्ता तो साफ ही रहता है आने जाने वाले। हालांकि पुलिस ने करनाल में